जी आरे बरिश का जेदी खिडार होवे नेज़े ताला तलवारा दी तारीफ ते पाके पंगड़ा कीता कमाल होवे जबर जुल्म दे वार नू रोकणे ने जेने छाती बनाई होई ढाल होवे ओनू की निगुणे तूफान कहना जेदे जन्म दा मुड पताल होवे। तूफान किस तरह कहोगे? जन्म दा मुड पताल। आम बोली विच कोई इंसान बहुता जोरावर होवे, सरकारी पहुंच होवे, चंगी माया रखना होवे, उचिया महल माड़ियां होन, सरकारी दरबारे पहुंच होवे, कह दिंदे ने भी इहदियां जड़ा पताल ने कोई हला नहीं सकदा। तेरे नाल ते सरकारां भी सारियां तेरे विरुद्ध चलदियां रहियां, हमेशा तेरे वास्ते तसीहा के अंदर जेलां तैयार रखिया। हर सरकार जो दिल्ली दे तख्त ते बैठी पहला जा होन, हर सरकार तेरे लिए तसीहा कर, तेरे लिए जेला, तेरे लिए ना बराबरी यह कुछ लैके बैठी, लेकिन तेरिया जड़ा पताल क्यों ने? वो तो आम इंसाना की गल होंगी है भी सरकारें पहुंच होवे तो कहते हैं जड़ पताल नहीं, तेरिया जड़ा पताल पता किमें गईया। कभी लिखता कि इश्क दे हजारां दी वे जग पे जहान उत्ते वाली दो जहान जदो तवी उत्ते सजिया असी तेरे सेवका ने फेर नहीं बुझन दिता दीवा जेड़ा रावी दीयां लहरां विचों जगिया। कोई रुते आवे कोई जावे भावें लख वारी परना शहीद वीरो तो साडे बिना आमदी इतने शहीद गंज असां ने उसार दित्ते। महरौली कुतुब मीनार साहब कुतुब मीनार दे कोल बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत होई। 200 गड्ढे सिखां दे सिरां दे भर के लियांदे गए सी। पंजाब के आले दुआले पिंडां विचों कतलेआम करके 200 गड्ढे साडियां सिरां दे मीनार उसरे। कुतुब मीनार दे कोल साडियां सिरां दे मीनार उसरे। रुत्तां जिहड़ियां मर्जी होण लेकिन शहादत दी रुत्त साडे तो पुछे बिना आउंदी नहीं। और इतने शहीद गंज असां ने उसार दित्ते सातों पुछे बिना रुत मुड़ के ना जांदी। और शहादतां दी रुत साडे तो पुछे बगैर कदे वापस नहीं गई। असी कदे मौत राणी विधवा नहीं होण दित्ती क्योंकि गाना साडे गुट ते शहादतां दा बजिया। तेरी कुर्बानी रंग चाढ़िया अनोखा ऐसा सानू कदे मरने तो डर नहीं लग्या। लगदा किवें? जिस गुरु दा प्रकाश पुरब मनाउण जा रहे हो ना 350 साल हो गए। 350 साल इस धरती ते आया, इस धरती ते प्रकाश होया। गुरु का प्रकाश कहते हैं गुरु का प्रकाश क्योंकि गुरु ओ प्रकाश है, वो लाइट है, वो एनर्जी है, वो ज्ञान है जो हनेरे कोणियां चों कढ के प्रकाश वाले पासे लौ वाले पासे ज्ञान वाले पासे लेके जांदा। गुरु का प्रकाश पुरब 350 साल ते उस गुरु ने तेनू जीवन का वाला ऐसा दसिया तेरे मन दे विचों मौत दा पाई नहीं कट दिता। जिस दिन कामल मनुख सिद्धिया तेनू सब तो प्यारी तां इह हुंदा है जिंदगी लवेरी होवे मौत कदे आवे ना। तेरे दिल विचों मौत दा तां डर ही कट दिता। पहला ते तूं सिरां दी मंग कीती माइक कामल मनुख सजना सिरां दी मंग। और एक नहीं सी उठिया कितने उठ के परवानिया दियां कतारां चल पईयां अपना सिर पेट करन वास्ते। डर ते मौत दा हुंदा है, मौत ते फतेह हासिल कर लई। किवें मौत दा भय रहे? आओ जिस ने मौत दा भय कढिया जिस गुरु ने तत्ती तवी ते रड़ के लाल होई लो तो दुनिया दियां नजरां ने देखिया कि पंजवें गुरु दा खून ते चर्बी बुलबुलियां दी शक्ल विच लाल होई लो तो जमीन ते डिगिया। वो देखण वालियां नूं लग्गिया जमीन ते डिगिया लेकिन वो खून ते चर्बी सिक्खी दीयां जड़ां नूं पताल तक लै गया। पताल तक कह दिंदे ने जे रेत विच बूटा लाया उहनूं पानी ज्यादा चाहीदा, पानी ज्यादा ते ओहदियां डूंगा जड़ां बहुत डूंघियां चलदियां ने। ओ सिक्खा तेरियां जड़ां नूं ते पंजवें पातशाह दा खून ही पताल तक लै गया, पताल तक लै गया। आओ उहनां गुरुआं दा प्रकाश मनाउण वास्ते जुड़ बैठे हो। सब तो पहला फतेह दा जयकारा बुलंद करिए, गज के फतेह बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की। फतेह। मेरे हजूर का प्रकाश पुरब एक कमाल की गल हो रहा है। जब गुरु का प्रकाश पुरब मनाते हो पंजाब की धरती पर बहुत नगर कीर्तन, दिल्ली बहुत नगर कीर्तन निकलते हैं। जब हजूर का प्रकाश पुरब मनाते हैं ना, जंग तो वध सारे कहेंगे चमकौर की गल जरूर करियो, सरहद की दीवार की गल जरूर करियो, कदे किसी का जन्मदिन मनाइए। इंसान कह दिंदा मौत की गल ना कोई करियो, मौत की गल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अज बर्दाश्त है मेरे हजूर की जो प्रकाश पुरब की गल करी है ना, उस वे प्रबंध कह देंगे ने चमकौर की गड़ी की गल जरूर करियो, क्योंकि कच्ची गड़ी सी। लेकिन उस कच्ची गड़ी ने सानू पक्के होण दे, सानू जिंदगी जीवन का जो वल दसिया असी अज तक उस वल नू याद रखिया। इस करके साडे मन अंदर चमकौर की कच्ची गड़ी अज भी उस तरह बादस्तूर उस तरह अडिग ते अडोल खड़ी है साडे मनां दे अंदर। इसे करके जो गल करते हैं आप चमकौर की कच्ची गड़ी की गल करते हैं। मेरे हजूर का प्रकाश होया, शायद लिखता हेमकुंट तो उतर के ब्रह्म योगी किला किबर हंकार दा टा दिता, सानू लहू चढ़ाउण दा शौक दिता, सरूचा करके मरण दा चाह दिता, बईयां नाल तुरदियां फिरदियां मुरदियां नूं पता नहीं कि उहने प्या दिता, पैर कीड़ी ते धरम तो दिल धड़के धुड़कू इहनां औरंगे नूं ला दिता। साडी कोई जान नहीं सी, कोई पहचान नहीं सी, साडी कोई औकात नहीं सी, अपने परछावियां तो डर जाण वाले। हर हमलावर ने अपने पैरों थले लताड़न दा यतन कीता, लेकिन बापू ने ते मौत ते फतेह पाउणी ऐसी दसी कि हमलावर जितने मर्जी आए, लेकिन कह के कहे कि ये सिख कौम है जिन्हों कदे जिंदगी च कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। बड़े 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 साके आए, बड़े 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 कल्लू कारे बीते। जिस गुरु ने बचपन के अंदर 9 साल की उम्र ना गुरु घर के अंदर बहुत क्रांतिकारी उम्र है, 9 साल की उम्र हजूर गुरु नानक देव जी ने जनेऊ काउंट तो इनकार किया, खंडन किया। 9 साल की उम्र गुरु छेवें पातशाह, 9 साल की उम्र से जब पंचम पातशाह की शहादत हुई, 9 साल की उम्र से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब हिंदुस्तान का धर्म बचाने चले ने, आपां कहने तेग बहादुर चादर हिंद दनंद मनंद पए अवतारे। क्यों कहने अज का जो तुम हालात देखते हो ना, कितने मुसलमान ने अपने हिंदुस्तान के अंदर, यूपी च बहुत ने, मलेरकोटले बहुत ने, लेकिन आज जो देखते हो हिंदू में मुसलमान इनमें से कौन है? हिंदुस्तान से खत्री ब्राह्मण वाणियों के पूत बहुते जट जिमीदारों और कौम तरखान के मक्के और मदीने के न ये वसनीक हुए, हाफसी दुरानी और रहे ना ईरान के। इसी तरह हिंसा भोगती मुसलमान जो नती झूठते गोविंद की कमान से। पूरा हिंदुस्तान इस्लामिक कंट्री हुंदा है, जेडे मुसलमान ने कोई बाहरों नहीं आए, ये अरबस्तान तो नहीं आए, ये अफगानिस्तान तो नहीं आए, हाफसी दुरानी भी नहीं, ये मक्के मदीने तो भी नहीं आए। कौन ने? ये साढ़े चो बने जेडे औरंगजेब दा मतसवी तेज नहीं सह सके, साढ़े चो बने। लेकिन कितने नौवें पातशाह की शहादत ना होंगी ना, हिंदुस्तान का नक्शा कुछ होर होंदा, कोई हिंदू ना होंदा, कोई सिख ना होंदा, कोई ईसाई ना होंदा, इत्थे सिर्फ इस्लामिक कंट्री होंदा। इस दे वास्ते हजूर ने 9 साल की उम्र तो संघर्ष किया। बिल्कुल समा मुक्तसर है, उसके अंदर ही आप जी वार्ता साझी करने का यतन करांगे। 9 साल की उम्र संघर्ष शुरू होया। 9 साल की उम्र जो कश्मीर के पंडित चल के आए, कहा सी ना इन्होंने तनु रचाने किसी महापुरख की जरूरत है, उसने बलिदान दी। हस के क्या 9 साल की उम्र कह लगे पातशाह तुहाडे तो वड्डा किहड़ा महापुरख होवेगा जिहड़ा इन्हां दे धर्म नूं बचाउण लई अपनी कुर्बानी देवे। बलिदान शब्द बड़ा छोटा जिहा लगता है हजूर जी की शहादत दे अगे, बहुत छोटा जिहा। अपने धर्म को बचाने नहीं, दूसरे के धर्म को बचाने जावे शहादत देना। और 10 साल के बच्चे के सामने पिता का कटिया हुआ सीस आ जावे ना, 10 साल के बच्चे के सामने गुरु के प्यारे कहते सारी उम्र उठ नहीं सकता। पातशाह उठे नहीं, आपां नूं भी सुत्तियां नूं उठाया। पिता का पावन सीस जदों सामने पिया, माता नानकी जी सत्कारयोग माता गुरु तेग बहादुर साहिब माता जी नमस्कार की। आख्या पुत्र मैं सदके मैं वारी, पुत्र जी अपने नाम की लाज रख विखाई, तुसी हिंदुस्तान का तन बचा लिया। माता गुजरी ने नमस्कार की, आख्या पति गुरदेव जी हो तुहाडी निभ गई, मेरी भी इस तरह निभ जावे। वो अरदास अखीर तक पूरी हुई, मेरी भी निभ जावे। और जदों वारी आई 10 साल दे बाल गोबिंद राय जो हजूर जी उठे ना साढ़े वर्गिया सारिया संगतां दी अखां नम हो गई। 10 साल की उम्र है, पिता दा कल्ला सीस आया तार नहीं आया, सीस लेके पहुंचे रंगरेटे गुरु के बेटे और हजूर जी ने हैरान कर दिता सारिया को। जो उठे पावन सीस नू नमस्कार की, मेरे हजूर ने पावन सीस नू नमस्कार करके हाथ विचली शमशीर पकड़ी, मस्तक निभा के सीस नू दशमिश ने कहा, कतरे पवित्र खून दे तूफान बन गए, जिन्हों महलों में चुना जुर्म पाला, महल हर मरदूदा शमशान बन गए। उठाओ उठाओ तेग नू, खा के तेग दी कसम, क्योंकि तेगा मिन शैतान ना इंसान बनन गए। कुदरत दा नियम कह रहा, बेटे शहीद दे एक दिन इस देश दे सुल्तान बनन गए, बेटे शहीद दे एक दिन इस देश दे सुल्तान बनन गए। आपा बड़े ना सुल्तान 1783 विच सिख राज दा सिक्का जारी कीता, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ओ हजूर दे बोल, जिन्हां महलां विच उन्हां जुल्म पाया ओ महल हर मरदूदा शमशान बनन गए, कब्रस्तान बन गए। मैनू एक शायर की गल याद आती, लाल किला भला तेरी भी कोई औकात है। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लाल किले तो संबोधन करते हैं, उसकी फसील तो शायर कहना लाल किला तेरी की औकात। और जेड़ा हमलावर आता है वो अपना झंडा कट देता है, पैरी पै जाता जिहड़ा हमलावर आंदा है। और देख तेरे सामने एक केसरी निशान, कितने हमलावर आए, कितनियां सरकारां आईयां, इत्थे सिखां दा नौवां गुरु शहीद होया, आके सरदार बघेल सिंह ने केसरी निशान चढ़ाया। और सरकारां बदलदियां रहियां, तेरे उत्ते झुलण वाले झंडियां दे निशान रंग बदलदे रहे, निशान आकार बदलदे रहे, लेकिन उस चीज का साथ ते जो निशान झूलदा है उसका ना रंग बदलिया ना आकार बदलिया, उससे शान दे नाल झूलदा। भला तेरी कोई औकात है, तेरी कोई औकात है होवे किदा। गुरु के प्यारे नौवें पातशाह ने शहादत दी सी और नौवें पातशाह ने जेड़ा नगर बसाया सी अनंदपुर साहिब, समा अपनी चाले चलदा गया। 9 साल की उम्र 10 साल की उम्र अहद कीता सी कि हुण मैं ऐसा पंथ सजावांगा, वो बोल के नहीं दसेगा, उसकी शख्सियत ऐसी होवे कि लखां विच करिया वखरा दसेगा। 23 साल लग गए, 23 साल बाद उस कामल मनुख दी सिरजना कीती, जदों सिरां दी मंग कीती, सिरां दी मंग उस नूं गुण किहड़े दित्ते। सब तो पहला उठी दया, दया कित्थों चल के आई लाहौर तो, और लाहौर बारे सलोकवारा तो वधीक वे जिक्र हुंदा। लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर, जिथे सवा पहर कहर हुंदा उत्थों चल के दया आई। फिर तरनदास कित्थों आए, हसनापुर दिल्ली, दिल्ली सियासत की किली जिथे धर्म का नामो निशान नहीं। इतने पंडित बोधन का सिर इस करके कलम कर दिता गया, सिकंदर लोधी के राज वेले पूछा गया, पंडित जी तुम हिंदू चंगा या मुसलमान? पंडित जी बड़े विद्वान सन, कहने लगे धर्म इस्लाम बहुत चंगा, माड़ा हिंदू भी नहीं, धर्म से कोई भी बुरा नहीं होता, माड़ा हिंदू भी नहीं। सिकंदर लोधी के राज वेले हिंदू धर्म मुसलमानों के बराबर किवें कर दिता इस्लाम के? पंडित बोधन का सिर कलम कर दिता गया। सरबत वर्गिया जहर दे प्याले पीने पे क्यों? इतना ही कहता सी या इलाही इल्लल्लाह, कहते अगे क्यों नहीं कहना मुहम्मद रसूलुल्लाह? कहता ओदे तो बराबर मैं आप जा खड़ा हुआ। मुसलमान दे अंदर शरबत, पंडित बोधन गुरु तेग बहादुर चादर हिंद दनिंद बनिंद पए अवतारे, और जिथे धर्म का नामो निशान नहीं, धर्म की खातर जिथे सीस कट्टे जाते हैं उथों चल के धर्मदास तीसरे नंबर पर, हिम्मत हिम्मत को चल के आई। और जगन्नाथपुरी तो जिथे कृष्ण महाराज का बुत बनया, ना लत्तां बनिया ने ना बाहां, लत्तां ते बाहां तो बगैर हिम्मत नहीं आया करती। चौथे नंबर ते मोहकम, मोहकम कहते हैं सिरड़ नूं, सिरड़ कित्थों आया? और द्वारकापुरी जिथे कृष्ण महाराज का युद्ध होण लगा सी काल यवन दे नाल, काल यवन नूं वरदाना सजना ते मरेगा ना राती ना तफीद ना आकाश ते कृष्ण महाराज जानदे सन। इसे करके जंग दे मैदान चों भज्जे, उत्थे मंदर बनया रणछोड़, उत्थों चल के भाई मोहकम, मोहकम दे अर्थ हुंदे ने सिरड़। और जिसनूं दर दर दियां ठोकरां पईयां, करनाटक बिदर दी धरती ते बिदर सब तो वध ज्ञानवान लेकिन एक सुदेशा नां दी दासी दे पेटों पैदा होया सी। कौरव पांडव ते बिदर पिओ तिन्हां दा इक्को सी, लेकिन वो राणियों के पेटों पैदा होए करके अम्या ने तो राज कर लिया, लेकिन उस ज्ञानवान को नहीं मिला क्योंकि दासी के पेटों पैदा होया सी। उत्थों आने वाले 5वें नंबर ते सिख भाई साहेब और जेने को दया है, जेने को धर्म है, जेने को हिम्मत है, जेने को सिरण है, साहिब उसे मिलती है। गुरु के पैरों जिथे मेरे हजूर ने साझा सी खालसा आनंदपुर की धरती ते, जिथे भाई कन्हैया जी वर्गे सेवक आए, जिथे आप हजूर 8 साल की उम्र आए, जिथे 9 साल की उम्र पिता तोरिया, जिथे 10 साल की उम्र अहद किया खालसा सजाउंदा, आज वो समा आया जो 8 महीने का घेरा गुरु कलगीधर प्रीतम नूं पिया। मुगलों ने बार बार कुरान शरीफ दी आयतां ते लेके कसमां खादियां, हिंदुओं ने लिया के गऊ बन दी, उन्हां दी कसमां ते यकीन करके मेरे हजूर ने अनंदपुर दी तस्वीर चलना। जग तो निराले ने जिथे किते चोर जग तो निराले ने छड़ता है नंद पूरे भाता वाले ने छड़ता है नंद पूरे भाता वाले ने छड़ता है नंद पूरे भाता वाले ने। मेरे हजूर ने छड़िया आनंदपुर सियाही तिब्बी तो हुंदे हुए सच्चा कंडे पहुंचे। आप किते जाके देखो घटोगा 10 किलोमीटर का सफर पैदा उठे तक आउंदे हैं घोड़े पे चल के आए ने। अमृत वेला हो गया क्योंकि रात वेले छड़िया सत्सा कंडे पहुंचे। अमृत वेला हो गया हजूर जी ने आसा दीवार दे पाठ करने का हुक्म दे दिता। इधरों आसा दीवार दे पाठ होने लगे उधरों पापियां ने अपनियां कसमां भुला के भाई धरते राजे और औरंगजेब दी फौजां ने हल्ला बोल दिता। लेकिन तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारे। एक पासे आसा दीवार दे पाठ हो रहे ने दूसरे पासे युद्ध मच रहा जंग भी हो रहा नाल पाठ भी हो रहे ने। आसा दीवार दे पाठ दे भोग पे पाछा ने अपनी फौजां नूं सरसा विच खेलण दा हुक्म दे दिता। ए सरसा पापणे सरसा हथियारी ए सरसा नागणी ए सरसा डैन उस दिन भर के चल रही सी। सरसा विच खेलण दा हुक्म दे दिता। 8 महीने तो भुखे पाणी ने दरख्तां दे पत्ते खा के जिन्हां ने गुजारे कीते पाठ करदे नाल जंग कीता सरसा नूं पार कर लगे ने। 2000 चले सी 2000 अनंदपुर दी धरती तो सरसा विच ठिले जानो प्यारे सिंह रुड़ गए। कीमती खजाना रुड़ गया जो हजूर दे हाथ लिखत सी और रुड़ गया। परिवार ते हिस्सियां विच वंडिया गया। उथे गुरुद्वारा साहब है परिवार विछोड़ा। इस वापन सरसा ने हजूर दा राह रोकिया उस ते उस तो बाद कदे भर के चली नहीं। इहदे विच पानी आया ही नहीं। अज भी गंद मंद ना भरी पई है। उस तो बाद इस दे विच पानी आया नहीं। इसने हजूर दा राह रोकिया। अजे सरसा पार कीती है मोरे रंगड़ा ने हमला बोल दिता। कोई इतना संघर्ष जदों ते पैदा होए ने उदों दा संघर्ष इतना संघर्ष गिले कपड़ियां नाल सरसा पार करदे अगो रंगड़ा दी फौज हथियार लेके पै गई। जंग करदे गुरु के प्यारिओ सरसा पार करदे सरसा कंडे जंग मचदे 200 बचे सी 200 और इत्थे रंगड़ा ना जंग करदिया 200 दे विचों सिर्फ 44 बचे। 41 सिंह 2 साहबजादे वड्डे एक पातशाह जी और इन्हां दे विचों भी एक कोटला निहंग खां दा पठान निहंग खां गुरुद्वारा पट्ठा साहब जिथे तुसीं जांदे हो उत्थों दा पठान है उत्थों दा सूबेदार है निहंग खां। इस दा जन्म 6वें पातशाह दे वरदान दे नाल होया सी। 7वें पातशाह ने इहदा नाम रखिया सी निहंग खां। निहंग खां सुन के अपने पठाणा के नाल भज के आया पातशाह अपने घर लै गया सेवा की। इत्थे भाई बचित्र सिंह खूनी हाथी का सिर वन्नण वाले 7 जख्मी ने। इतिहास के पन्निया तो आप पंछी चात मराउंदे चलांगे। भाई बचित्र सिंह 7 जख्मी ने। एक पठान है निहंग खां गुरु घर का प्रेमी गुरु घर की सेवा करता है। लेकिन खबर मिल गई सूबे ने आके खबर दी कहते सूबेदार साहब शाही फौजा आ रही तलाशी लैन वास्ते। उन्होंने पता लगे गुरु दौजा इतने ठहरिया हुई। पातशाह ने आख्या निहंग खां तेनों किसी तकलीफ में नहीं पा सकते असं इतों चल पावे। लेकिन भाई बचित्र सिंह 7 जख्मी ने उन्होंने इतने छड़ दिता गया। फौजा पहुंच गई कह लगिया निहंग खां सुनिया तेरे को बागी गुरु दौजा ठहरिया हुई ने। निहंग खां कह लगा किसी ने गलत सूचना दी मेरे को कोई नहीं ठहरिया तलाशी ले लो। कहते आए हाँ सरकार का हुक्म है तलाशी ते रहांगे। तलाशी लैन लगे जिस कमरे में 7 जख्मी पए सन भाई बचित्र सिंह निहंग खां दी बेटी बच्ची मुमताज उस कमरे में अंदरों बूहा मार के उस कमरे के अंदर बैठ गए। फौजा कह लगिया तलाशी ते ले ली तेरे सारे महल दी एक कमरे का दरवाजा बंद है। निहंग खां कह लगा इस कमरे में मेरी बेटी ते मेरे दामाद ने जे आखो तो खोल के दिखा दिया। कह लगे नहीं दामाद तो इंसान हर एक नूं नहीं कह दिंदा। फौजा वापस चले गईया। बच्ची मुमताज ने सुनिया आखन लगी अब्बा हजूर ए जख्मी सिपाही ए गुरु दा खालसा तुसी मेरा पति बनाया अपना दामाद बनाया ए रहे या ना रहे मैं इस तो बाद निकाह करवाना नहीं। मैं इसको अपना पति कबूल कर रहा अल्लाह ताला नू हाज़िर नाज़िर समझ के मैं इस तो बाद निकाह नहीं करवाना। दूसरे दिन क्योंकि भाई साहब बहुत जख्मी सन जख्मां दी ताबना संगे शहीद हो गए। उस बच्ची ने अहद लिया कि मेरा पति ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ उसने ब्याह नहीं करवाया। उस तो बाद अमन मान तो बाद जन्ना चलो जुदी रे गुरु दी संगतां नु सत्कार दे माता जी कह के सत्कार दे दिया रहियां। बे कमाल दी गल है सिख इतिहास दे अंदर कि जिन्हां ने प्यार कीता उन्हां ने प्यार इतना पुज के कीता कि उन्हां ने अपने धर्म दी परवाह नहीं कीती। इथों पाछा आगे चले ने बरे माजरे पहुंचे, इथों आके सुखिया आया। उसने क्या पाछा जो सारे पासे फौजां दी ड्यूटियां लगियां होईयां, तुहाडा रास्ता घेरिया जाना, सारे पासों घेरन दी तैयारियां हो रहियां, कोई सुरक्षित ठिकाणा देख के डट जाओ। बादशाह कहंदे नेड़े तेड़े तो कोई आबादी नहीं, लेकिन इत्थे आके एक हिंदू वीर सेठ बुद्धि चंद उसने बेनती कीती, पातशाह जीओ मेरी हवेली है कच्ची लेकिन ओहदे विच कुछ बचा हो सकदा, खुले मैदान से डटण नालों मेरी हवेली है कच्ची ओहदे विच कुछ बचा हो सकदा है। उस दी कच्ची हवेली में पहुंच गए, उसने बेनती नु मन के ओ कहो जी कौम दी सजना कीती जा रही है। एक पठान जान दे खेत के रखिया करदा, एक हिंदू अपनी हवेली पेश करदा। बादशाह हवेली में पहुंचे, कच्ची हवेली जेदी छत कच्ची, जेदे बनेरे कच्चे, जेदी फर्श कच्ची, लेकिन इस कच्ची हवेली के अंदर सिक्खी नूं पक्का करन दे जेडे काम कीते गए वो अज तक गुरु के प्यारे अज तक सार्थक ने। जदों किले विच पहुंचे खालसा ने इस कच्ची गड़ी पहुंचया फतेह दा जयकारा इतनी जोर नाल बुलंद कीता योगी अल्लाह यार खान को लिखना पै गया। कहंदा जब किला में जा पहुंची थी सतगुरु की सवारी, वाहिगुरु की फतेह दलेरों ने पुकारी, वाह माशेरों का वो आवाज थी भारी, थर्रा गया चमकौर हुआ सलसला ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚੜੇ ਜਵਾਉਂਦਾ सवाल रखी कहौदा ए तोता के दूध दीती निशानी है दस्तार से जोड़ लगा भाई पानी पड़दा के पत रखी गोपाल ब्रह्मता प्रपंच में बिकाना सुगर आदि तना पारावार सजे जो माला छुटे खूब सरला अब सोहे चक्कर खंडे तोड़े वाला गुरुजी ने फतेह सिंह को बुलाया चले गो तोर जैसा पंथ ऐसा मुख से हलाया हम अकाली सबके वाली हमरा पंथ न्यारा है दीन मजबूत का जो कीना खंडा पड़या दो तारा है छई मई मार सब दूर की निसरोता पड़या करारा है भाई गगनमंडल में भूखा हमारा महाभारत पराया चक्कर मुक्त मुक्त पर चक्कर आया अजब भुलाना है नाम गुरु गोविंद सिंह जी तो दिया गया शीश हमारा अपने आप को सवाल की कहूंगा लेकिन इसे कमालदार समाज जो दूर है 10 लाख 5 हजार नहीं जानते नहीं एक दे हिस्से कितने आए 2-2 लाख जितना बापू कहना ना ओस तो भी बात होके सिखा ने मौत लाड़ी में परनाण वास्ते और जंग का रुख पलटन दे विच कोई कसर छड़ी नहीं पातशाह पीरां दी वाछड़ दे नाल एंड दुश्मन दलां दे विचकार जाके अपने आप पंजां नूं जतन करदे ने फौजां विच एं विचकार जाके खड़ा रंदा पंजां दा जथा निकलिया बाहर दूर दूर डरदे गड़ी दे नेड़े नहीं आंदे क्योंकि पातशाह वर्गा दुनिया ते कोई तीरंदाज नहीं होया एक कमान चो 4 तीर छड्ड दे चौहां दिशावां ते सही जाके लग गया और पातशाह दी एक तीर दे नाल एक तोड़ा सोना लगा हुंदा सी मेरे तीर ना जेड़ा मर जावे जे काट कपड़ लैण दा कोई प्रबंध नहीं ओ सोना बेच के ओदा प्रबंध हो जावे ते जे जख्मी होवे ओ सोना बेच के ओदा इलाज हो सके कमाल है जंग दे मैदान विच जंग भी करदे ने लेकिन उन्हां ते पार भी किवें करदे ने कितना करदे ने क्यों ना करन दया दा साडे धर्म दा मुद्दा है दया दया सब तो पहला दिल विच रख के दया नूं चलदे ने पंजां नूं तोरिया पहले जथे नूं मेरे हुजूर ने देखे आशीर्वाद पंजां दा जथा निकलिया बाहर भाई दुश्मन टक रहे ने ए 5-10 लाख दा मुकाबला करनगे ए 2 मिनटां दी गेम है 2 मिनटां दी सन 84 विच किया सी ब्रांड ने किया सी दयाल ने किया सी जनरल सुंदर जी कहंदा सी 2 घंटियां दी गेम है 2 घंटियां च इन्हां नूं बाहर कढ देना अपराधियां नूं 2 घंटे दरबार साहब साफ करके मुड़के हो जा कर देना 2 घंटियां दी असामे युद्ध असी लड़दे आए सानू तजर्बा है असी असामे युद्ध ही लड़े आ और असामे युद्ध जीते हैं कल्ले लड़े नहीं जीते हैं कहंदे 2 मिनट दी खेड है बड़ी सौखी ये खीर है ओ पंजां नू मसल के रख देंगे इन्हां नू पता नहीं कल्ला कल्ला सवा लाख ते पारू है भाई खालसे रख के टाका ते हाथ कहण लगे होए जागमो ओ भुल गए जांदे हो सी भाजीआं मूड़ियां जांदे हां ओ लखवाणी चमकौर नूं पाओ के रेसी घेरे भी तोड़ना जांदे हां ओ तुसी चीरना फाड़ना जांदे हो असि कुट्टियां जोड़ना जांदे हां तुसी अपने पंथ दे दुश्मनां नूं निंबू वांग निचोड़ना जांदे हां ओ जदा जदा 10 लाख वाली ते पारू किवें बड़ा प्रभाव खालसे दी अग खालसे दा तुसी पालना है। बेशक जाई होए पर निसंग होके तुसी तेग दा जोहर दिखालना है। आए मौत दा मौत दे घर पै जाओ, दीवा सप्पा दा सरात सिरियां ते पालना है। ओ बूटा सिखी दा लाया जो गुरु नानक नाल खून दे ओस नु नवालणे जेदी तेग अज बिजली बण करकू। नमस्कार है ओनु गोबिंद सिंह जी होवे सिख ते पिठ विच खाए गोली, धिक्कार है ओनु गोबिंद सिंह जी। बेशक चाली हो इना दुश्मनां नु इस तरह याद कराउणी है जंग, इना दियां आउण वालियां नस्लां भी याद रखण। पंजाब दे जथे ने ओ पड़थू पाया जंग दे मैदान विच जाके, वे दूसरा जथा वे तीसरा चौथा जथियां नूं रवानगी देंदे रहे। इतना कमशान दा युद्ध, ताज़ा दम फौजा होर आ रही भाई दया सिंह पता नहीं दिल विच की आया, उठ के हजूर दे कोल पहुंच गए। हजूर उच्ची मंटी ते बैठे जंग दा नज़ारा तक रहे, तीरां दी वाछड़ कर रहे। कहने लगे पातशाह जी ओ दस एक बेनती करना आया, सारे पासे फौज दा घेरा बड़ा सख्त घेरा है, लेकिन पीछे थोड़ा जगह जंगली इलाका है। दास बेनती करना आया तुसी अपने साहबजादे नु लेके इधर इलाके थाने निकल जाओ। पातशाह ने ध्यान नहीं दिता, दूसरी बार फिर बेनती की। पातशाह बेनती है इस रास्ते अपने साहबजादे नु लेके निकल जाओ। पातशाह कहने लगे दया सिंह ओ सामने देख मेरा सूरमा एक शमशीर दे नाल हजारां वारियां नु वक्त पाई खड़ा है। ओ देख तीर कमान दे नाल दुश्मन दलां नु कितनी दूर तक धक्के ले गया। ओ देख एक नेजा दुश्मन दलां नु वड़िया वांग परोदा ले जा रहा। ओ मेरा सूरमा देख हथियार कोई नहीं, ओ इतनी तेजी ना जोहर दिखा रहा अपने गदके दे, ओदे नेड़े कोई नहीं टुक रहा। भाई दया सिंह नु डाढा रंज आया, कहने लगे शहनशाह तुसी ध्यान नहीं दे रहे, मैं तुहाडे साहबजादियां दी गल कर रहा हां, ध्यान दियो आपां भी मुत्तां फले हां। कहंदे पातशाह मैं तुहाडे साहबजादियां दी गल कर रहा हां। हजूर कहंदे दया सिंह जी ध्यान तुसी नहीं दे रहे, ओए जेड़े कल्ले कल्ले हजारां नाल जूझ रहे ए तैनूं किते अजीत ते जुझार तो घट लगदे, मैं भी अपने साहबजादियां दी गल कर रहा हां। बोले सोने हो सत श्री अकाल। ओ बेटे बेटे में जो फर्क समझे, ऐसा भी कोई बाप है? ये तैनू जीते जुझातों कट लगदे ने, देख के मैं जूझड़े सवा लख दे नाल। भाई दया सिंह जी थले मुड़ाए, अगले जत्थे नूं रवानगी देने वास्ते आए। बाबा अजीत सिंह उम्र है 18 साल, 17 साल 8 महीने पौने 18 साल। कहने लगे पिता जी बहुत अपने सिखां नूं प्यार करदे हो, बहुत सत्कार करदे हो, बड़ा यकीन करदे हो, लेकिन अज तेरे सिखा वाला प्यार मैनू चाहिए। वो कोई डेरेदार, कोई अखौती गुरु, कोई पैगंबर दुनिया में अजिहा होया जिसने अपने पुत्तां नूं अपने सिखा तो घट समझा हो। पुत कह रहा तुसीं अपने सिखा नूं बड़ा प्यार करदे हो, तेरे सिखा वाला प्यार हजूर शहनशाह अज मैनू भी चाहिए। बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल रवानगियां देखे जत्तियां नूं तुर रहे हो। पातशाह जी ओ ये रहमत मेरे ते भी करो, मैनू भी जंग दे मैदान वाल तोरो। हजूर जी ने खिड़खड़ा के हसे, नजरा भर के अपने पुत वाल तकिया जिहदा कद अपने सत्कारयोग दादा गुरु तेग बहादुर साहब दा बड़ा उच्चा कद है। बाज वर्गियां तेज अखां ने, कमाया होया शरीर है। अज ते बड़ा दिखावा करदे ने, सिक्स पैक बॉडी बन गई, बड़ा दिखावे करदे ने। टी शर्ट तो बगैर पहन के, टी शर्ट तो बगैर फोटो सेल्फियां खिंच के पाउंदे ने, लेकिन मेरे हजूर दे इस बच्चे ने शरीर कितना कमाया देश कौम दे लेखे लाउण वास्ते। पातशाह ने नजरा पक्के तकिया, योगी अल्लाह यार खान लिखदे ने कि उस हाथ में थे बाजू एक गोबिल के कसबल, क्या फरजंद की तलवार से थर्रा गए थे जलथल। जिंदों का क्या जिक्र मुर्दे हुआ बेकल, था शमशानों में शोर मजारों में थी हलचल। अजय साहब ने पूछा जंग में जान वास्ते मुगलता की ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਪਰਕੌਣ ਲੱਗੇ। ਗਾਜ਼ੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇਠਾ, ਜੇਠੇ ਪੁੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। हजूर 20 साल की उम्रे अपनी जिंदगी का पहला युद्ध भंगाड़ी का युद्ध जित के जो वापस परते सन उदो खबर मिली सी साहबजादे ने जन्म लिया। कहते पहली जित की खुशी के अंदर इसका नाम रख दो अजीत सिंह। अजीत सिंह गुरु के प्यारे बाबा अजी से कहने लगे बादशाह जी हो मैं भी जगदे मैदान में जाना चाहना। मेरे हजूर ने अपने साहिबजादे ने तलवार दी, शायद कहना की तलवार भी उसकी सिर्फ करा जी हजूर ने दी। कहना तलवार से तलवार थी क्या जानी है, क्या थी खूंखार थी खूंबार थी आपत्ति बला की नाल। कहना मैं उसकी सिर्फ कर नहीं सकता। कहना किस मुँह से करूँ तेगे खमदार, खमदार कहते मुड़ी किस मुँह से करूँ तेगे खमदार की तारीफ, गोविंद की बख्शी हुई तलवार की तारीफ पर कलाए आतिश, आतिश आकरों पे इतने पर कलाए आतिश की शरणबार की तारीफ, बांकी की नुकीली की तरहदार की तारीफ, कई तातान मरा के बनाई सी तरहदार की तारीफ थी। दोष पे शमशीर, दोष मोटे को कहते हैं, थी दोष पे शमशीर या कांधे पे परी थी तृष्णाए खून इसलिए गुस्से में भरी थी। और देखी कई तहानी बनी हुई थोड़ी मुड़ी हुई दुश्मन दिनादी प्यासी अंगारे वांग टहक रही जंग दे मैदान विच लप लप जीबा कट रही। मेरे हजूर दे साहिबजादे नु दित्ती तलवार नाल पंज सिंह दे गए। मेरे हजूर दा साहिबजादा जिस वेले निकलिया बाहर, मेरे हजूर दा साहिबजादा ओ दुश्मना ने मुंह दे विच उंगला ले लिया। गोबिंद सिंह महाराज ओ साडे दा किसे मुकद्दस ग्रंथ विच भी नहीं लिखिया कोई जन्ने चढ़न वाले पुत नूं क्यों शंगार के भेजदा जिवें तू मौत लाड़ी ना परनाउण वास्ते अपने पुत नूं भेजिया। मेरे हजूर दा साहिबजादा बहकाल बन के दुश्मन दरों ते टुटण लगा जिवें शेर ज्यादा शिकार नूं तक के झला हो जांदा है, जिवें बाज अपने शिकार नूं शिकार करन वास्ते बड़ी तेजी दे नाल पिछा करदा। बाबा जी संगरा पंजां प्यारियां दे नाल जंग दे मैदान अंदर दुश्मन दरों दा सफाया इहो करदा। मोर मां बात जरूर करता है। भाई आलम सिंह नचना दे पैर नचन लगे, उधरों 14 साल का पौने 14 साल का पुत्र आज चाहना ते चुकिया, पिताजी भाई से बिछड़ के हमें खाना नहीं आता, पीना नहीं, सोना नहीं आता। हंस के दशमेश पिता कहने लगे, कहते पुत्रा तेन लड़ना आंदा? अजीत सिंह तां कई जंगां विच मोरी रोल अदा कर चुका सी, तैनूं लड़ना आंदा? साहिबजादा जुझार सिंह कहने लगे, पिताजी हमें लड़ना तो नहीं, हमें मरना तो आता है। आगे बढ़कर तेज पे सर धरना तो आता है, मैनू लड़ना नहीं, कौम की खातर मरना तो आता है। लेकिन इतना यकीन रखो, मैं भी तेग दा पुत्रा हां, ये जेड़े खन्नास ते इबलीस शैताना दे गुरु बन के आए ने ना, इन्हों जंग के मैदान में अपनी चंडी के नाल सबक सिखा देंगे। सबक गुरु के प्यारे छोटी कुर्बान दी सी पातशाह, क्योंकि हथियार की कमी सी। सरसा पार कर दिया कितने हथियार दरिया की पेट हो गए। पातशाह ने क्या हम देते हैं खंजर, उसे शमशीर समझना, नेज़े की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो होना नहीं दलगीर समझना। ख्वाहिश की तुम्हें तेज चलाते हुए देखे हम आंख से बशी तुम्हें कहते हुए। किसी बाप की इच्छा हो सकती है? हाँ, कलगीधर पिता की इच्छा हो सकती है। मैं जंग तेन जंग दे मैदान विच ओ गुरु के प्यारे देखो बापू बाजा वाला ए चमकौर दी कच्ची गड़ी दे अंदर दो पुत्रां दीयां बरातां तोड़ रहा, कोई भैण भरा नाल नहीं, मां नाल नहीं, धर्म पत्नी नाल नहीं, कल्ला ही दो पुत्रां दीयां बरातां तोड़ रहा, उन्हां सिंघां दे नाल जिन्हां सिंघां दे नाल जिंदगी दा साथ नसीब होया। और बाबा जुझार सिंह बाबे अपनी कारना करके, अपनी बहादुरी करके, बाबा जुझार सिंह ने तलवार ऐसी चलाई, कहते 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा एक हमले में, इस एक ने 21 को मारा, खन्नास को मारा, कभी इबलीस खन्नास ते इबलीस शैताना दे गुरु खन्नास को मारा, कभी इबलीस को मारा, कुल बच गया। एक तिफल ने 40 को मारा, कहते बच बच के लड़ो, कलगियां वाले के मिसर से ये नीम चलाए है गुरु जी की कमर से, वो किसे तो पढ़िया ही नहीं जा रहा, इतनी तेजी ना जंग पापियां विच मुकाबला नहीं, नेड़े आके जंग करना, क्योंकि शमशीर इतनी तेजी ना चला रहे ने। दूरों एक खंदक लगा छाती विच, हाए अपने वड्डे वीर दे कोल जाके इवें डिगिया जिवें चिरां दे विछड़े वीर जफ्फी पा के अपने प्यार दा प्रगटावा कर रहे होण। छोटे साहबजादे दी शहादत की रोई, सूरज भी शर्म दे नाल बदलां दे ओले लुक गया, जंग बंद हो गई। सिंघा ने पातशाह नूं हुक्म दिता, पातशाह जीओ तेरे पंथ खालसे दा हुक्म है, चमकौर दी गड़ी नूं खाली करके चले जाओ। 5 सिंघ बचे सी जिन्हां ने मुड़ के 23 तरीक नूं मुकाबला कीता, 22 तरीक सी 2 साहिबजादियां दी शहादत, और 22 तरीक 1666 मेरे हजूर दा प्रकाश होया सी पटना साहिब दी धरती ते। पिता दा प्रकाश है, दो पुत्रां दी शहादत है, दुनिया दे अंदर इहो जे अनोखी मिसाल दुनिया दे अंदर किते नहीं मिलदी, किते नहीं मिलदी। सिंघां दे हुक्म ते 3 वार ताड़ी मार के पीरे हिंद में रवत, पीरे हिंद में रवत, पीरे हिंद में रवत। हिंदुआं दा पीर जा रहा, हफड़ा दफड़ी मच गई। एक मिसाल जी राह दिखाउण लगा, हजूर ने उस दे गुट दा निशाना ला के तीर चलाया, मशाल बुझ गई। हल्का हल्का मींह पै रहा सी, बिजली लिशक रही सी, पैरां चों जोड़ा भी उतार दिता सी। लंघे जांदियां दे कोल अजीत दी लाश आई, जुझार दी लाश आई, बेपरवाह होके लंघ गए। डाडा रंज आया पिछे आउंदे भाई मान सिंह ते भाई दया सिंह, वो मोतियां वाली सरकार की विगड़ जांदा जे बैठ के अजीत दा मत्था चुम लैनो, जुझार नूं छाती नाल ला लैंदो, वो मोतियां वाली सरकार की विगड़ जांदा। अपने बच्चों का दुख तो पंखेरू भी मनाते हैं। मेरे हजूर ने कहा, दया सिंह मेरे दिल अंदर भी, मेरे शरीर के अंदर भी बाप वाला दिल है, मैनू भी बच्चों नाल प्यार है, लेकिन बाकी सुते पे ठत्तियां नूं छड्ड के दोहां दे नाल प्यार जतारदे हां। अजिहा बाप नहीं मैं अपनी औलाद दे विच कोई फर्क करदे मां, अजिहा बाप नहीं, वो भी तो मेरे अजीत जुझार वर्गे ने बिना तनखाहों मेरा साथ दिंदे रहे, वो भी मेरे अजीत जुझार ने जे कफन पाना सारे ते पा ते जे मैं मथे चुमने मैं इना सारे ते चुमांगा दोवां दे सोने हो श्री अकाल। ते बाप ने कितना सत्कार देता है पानो, कितना सत्कार। इदां दियां ठंडियां रातां आही समय सी ना जदों माछीवाड़ी दे जंगलां विच पए सी। गुरु के प्यारे और राती मजनू का टिला गुरुद्वारा साहब सा कंबल एक एक सी कोल ओनू दोहरा कर करके उत्ते लिया, ठंड फिर भी लगती सी। कमरे बंद सारे पासे, सारी रात याद आती रही बापू बच्चा बालिया तेरे ते कपड़े भी गिली सी, ओ भी हीरा हो चुके कोल पारा कपड़ा नहीं सी। सराणे टेंड रख के तेनू सुखां दी नींद आ किवें गई, तेनू सुखां दी नींद आ किवें गई। तेनू सुखां दी नींद इस करके आ गई क्योंकि तू ऐहद कीता सी पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाऊ कनेरा, मेरा पुत खालसा जिंदा रहे मैं कुर्बान कर आया जिगर दे टोटे। दो चार दिन बाद कुर्बान हो जाण के नीया विच चढ़ के, लेकिन मेरा पंथ खालसा जवानियां माणे उस सुख दी नींदे तां सुता पिया सी। पुराने बुजुर्ग पोह दे महीने कदे मंजिया ते विछाउणा नहीं सी करदे हुंदे। कहना उस दुख नूं थोड़ा महसूस करिए, जदों लेफ तड़ाइयां विच पैंदे हो ना ते घट्टो घट दस्सिया जरूर करो बच्चियां नूं। चमकौर दी गड़ी दा दस्सिया करो नानियो दादियो, दस्या करो जो छोटे साहबजादे कैद सी ना जिस ठंडे बुर्ज विच। वो ठंडा बुर्ज 60 फुट उच्चा सी, 60 फुट उच्चा, 60 फुट उच्चे बुर्ज दे बुर्ज सी बने चारे पासों खुला। गिले कपड़ियां दे नाल शिवालक वल्लों आउंदियां हवावां पिंडे नूं चीर चीर लंदियां सी। उत्थे दादी ने कहा सी पोतियां नूं, कहंदी पुत्रो ठंड लगदी है। कहण लगे दादी ठंड ते लगदी है। कहण लगी पुत्रो निकदे आ। आखण लगे दादी अपराधियां दी तरह कैद करके हथ कड़ियां ला के लियांदे गए हां, इत्थे निक किदां? क्या पुत्रो निकदा इतिहास दा हुंदा वे जेदा अपना इतिहास नहीं लोदे दा दिन चढ़िया भी उसकी लोह है नहीं, वो फुल की ओदा खार भी नहीं, जेदी अपनी कोई खुशबू है नहीं उन्हें रस्ता किसी नूं दसना की, जेदी अपनी अखां दी लोह है नहीं वो कौमां नहीं कदे जो सकदियां जिन्हां विच आजादी दी खो है नहीं। कहंदी आओ पुत्रो निकदियां तुहानू तुहाडे दादे दे दादे गुरु अर्जन देव महाराज जी दी लाल कोई लोह दे कोल लेके जावां। इतिहास दा निकदियां आओ तुहानू दादे दे दादे दी उपर दी देख दे कोल लेके जावां। आओ ओ खूनी मंजर तुहाडीआं अखां दे सामने लियावां जदों तुहाडा दादा लाल होई लोह ते बैठा, सिर विच लाल होई रेत कड़शे भर भर के पैरी। आओ तुहानू वो निक दे अपने इतिहास दा निक दे। वो इतिहास दा निक सी कि जिस वेले वो 4 दिन अकह ते असह फसीहे चले, दुश्मना दे अगे झुके नहीं, इथों तक नीहां विच खलो के भी किया सी, नीहां विच खलो के कंध गोडियां तक अपनी इट तोड़ के लाउण लगा। जलाल उस उका इट तोड़ के ना नहीं एदे उत्ते सिक्खी दा महल तैयार होना है। कंध बिगी हुंदी है साडे गोडे छिलदे तेसी मार के, लेकिन इट तोड़ के ना नहीं। तू जानदा तू सिखा ओए सिक्खी दा महल बनाउण बदले लगा सिरड़ा है इस विच एदे दानियां दा इटा इस ते खून दे नाल जुड़ियां चूना लगा है लोहा नोरानियां दा गले नहीं है पत्ते गर्म पानी ओ ठंडा पवे ना जोश जवानियां दा। एदियां छत्तां दे थल्ले शतीर नहीं सी, एदियां छत्तां दे थल्ले शतीर नहीं सी। आया गया है शीश ब्रह्म दा, ओ ब्रह्म कालिया दा शीश लगा। ये कितने दीवारा एवी इतनी मजबूत नहीं बनिया। गुरु के प्यारियो निया विच खलो के कहा सी कि हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिखी की नी वहां मह सर पे उठा चले, गुरियाई का ये किस्सा जग को बता चले, सिंघों की सल्तनत का है पौधा लगा चले। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस बात से राज कायम करके सेवा देश दी, सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, ओ सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, ओ सेवा देश दी सेवा, सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, ओ जिन्ना दे सेवा विच पैर पाया ते उन्हां मीर कहता जे लेनी है किसी ने तो सिक्के विछा के जमीन जितनी ले सकता उतनी लवे। दीवान बोर्डर माल ने अपनी हवेली बेच के जगह खरीदी, जो सिक्के लेके गया कहना मैं विछा के नहीं मैं सिक्के खड़े करके क्या सी अपनी बेटी का दाज साथ बेच दिता, सोने चांदी के गहने। इंसान मार्स पे जाके भावे फ्लैट बना लवे लेकिन जितनी महंगी जमीन गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप दी है इतनी महंगी जमीन दुनिया के नक्शे ना अज तक बिकी है और ना ही अज तक कोई इतना तनाट होया कि खरीद सके। वो दीवान टोटल मर सके। दीवान टोटल माल ने जमीन खरीदी, लाशा का संस्कार किया, शहादत कलियां साहिबजादियां नहीं हुई, इन्होंने दुध छकाउण बदले मोती महरे परिवार समेत कोल्हू विच पीड़ के शहीद किया गया। अखां दे सामने पहला छोटा बाल फिर दूसरा, बुजुर्ग माता पिता और पत्नी अपनी अखां दे सामने मोती महरा तकदा रहा। कितनियां लासानी शहादतां ने, कितनियां लासानी शहादतां सिख कौम के अंदर। शहीद कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो है जहाँ मौत भी हयात है। जिंदगी एम ही नहीं किया, शहीद वो है सब कुछ जानदिया होया फिर उसके सच के रास्ते ते अडिगते अडोल रहे। मोती मेरे नूं पता सी साहबजादियां नूं दुध छकाया, इसकी सजा वजीदा पापी बहुत तकड़ी देगा लेकिन उसकी परवाह नहीं की, हंस के मौत कबूली, हंस के मौत कबूली। गुरु के प्यारिओ ए वो मेरे हजूर कलगीधर प्रीतम जिन्हां दे 350 साल प्रकाश उत्सव मना रहे हो। बापू बाजा वाले दी उदुती जीवनी के सरबंस कुर्बान करके भी साबो की तरवंडी की धरती के माता जी ने पूछा सी हजूर का आना सुन के, दिल्ली तो आए पूछा सी साडे साहिबजादे नजर नहीं आते क्यों, उदों अजकल वांग फोन नहीं सी, कोई डॉक्टर कोई पाग नहीं सी, उन्होंने पता नहीं सी की वापरी। बादशाह ने इन्ह सिखा वाल निगाह करके क्या सी इन पुत्रन के शीस परिवार दिए सुतचार, चार मुहे ते क्या हुआ जीवत कई हजार। कई हजारां तो असी लखा होए करोड़ होए लेकिन गल याद रखिया करो, सिर ते टोपी लैन लग्या कि तेरी दस्तार दे बदले, तेरी दस्तार दे बदले तेनू दस्तार तो डलाने कोलू चले, दस्तार तो डलाने आरियां चलियां, बंदूकां चलियां, करपाना चलियां, चरखड़ियां चलियां, पुठियां खल्लां उतरवाइयां गईयां तेरी दस्तार तो डलाने। सोहणी पग ने ओ सोहणी पग ने वखरा रूप दिता, सोहणी पग ने ओ वखरा रूप दिता, वैरी जालम ताई ललकार दिए ओ कुल दुनिया नाल ना मेल खांदी ओ लखा विच भी चमका मार दिए। निशान ने जिन्होंने देख के पूरी दुनिया तकदी हो गुरु गोबिंद सिंह दा पोता रहा, पोता रहा गुरु गोबिंद सिंह दा। इस दस्तार नूं कदी विसारी ना, प्रकाश पुरब मना रहे हो, हजूर दे असूलां नूं अपनी जिंदगी दे अंदर उतारियो, उन्हां दियां कईयां रवायतां नूं, उन्हां दे दित्ते उपदेशां नूं, उन्हां दी जीवी जिंदगी नूं, उन्हां दे दित्ते ओ बोल के इन पुत्रन के शीस पर उन्हां दे पुत बन के अपनी जिंदगी शानो शौकत दे नाल बतीत करियो। गुरु के प्यारे इतना कहते कि हमारे जाचा का मैनू लगता समा भी ज़्यादा हो गया, असी एक घंटा पूरा लेट होए, असी चले सा 5:40 दे लेकिन 3 घंटे ट्रैफिक चाटना पिया, भावें कार कोई भी रहे असी लेट होए। असी हाथ जोड़ के उस गलती की आप जी तो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं कि बेशक ट्रैफिक जाम सी लेकिन असी 1 घंटा होर पहला चल पेंदे, पहला आ जाते कोई गल नहीं सी, दिते टाइम तो असी लेट होए। सारिया संगतां तो हाथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं, समरत संगतां हो तुसीं माफ़ कर दोगे, तुहाडा दिल बड़ा वड्डा। तो गुरु के प्यारे बहुत धन्यवादियां रब वर्गियां संगतां दे, अपने सतकारयोग वीरां दे, अपनियां भैणां दे, बजुर्गां दे, पूरी मैनेजमेंट कमेटी दे और सब तो वध धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, जिन्हां दा ओर ते आसरा लैके तुहाडे वर्गियां समर्थ संगतां विच खलोण दी हिम्मत जुटा सके हां जी। बुलाओ फतेह ते पाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जयकारियां दी गूंज पा लो एक बारी, पता चले कि आज बीबी पुष्पिंदर कौर ने आप जी को उस रस्ते से जोड़िया है, इस करके मैं भी बोलिया नहीं। 10 मिनट और लगाओ कहते, अगर सारे का दिल है तो जयकारे बोलो ता। तो बीबी का बहुत धन्यवाद मैं कर रहा हाँ कि उन्होंने साड़ी इस बेनती प्रवान किया है। 10 मिनट वास्ते आओ होर तुसी पहला कह देंगे आप 1 घंटा लगा देना सीगा। जिदा तुसी जोड़ के बैठे हो ना, मन बड़ा बहुत दिल करता सी कि इस तरह गुरु महाराज की जीवनी तुहाडे नाल सांझी करते रहिए, तुसीं इदां जुड़े रहो। बीबियां उठ के जान लगियां सी, मैं वही सोचा कि समा बहुत हो गया, असीं तां वैसे ही लेट हो गए सी, भी असीं लेट होए इस करके भी कहणगे ज़्यादा लेट भी हो गया, उपरों टाइम भी ज़्यादा कर दिता, असीं इस करके कीता सी, दिल नहीं सी करदा साडा भी रोकण नूं, क्योंकि अपनी रवायत आ सिखां दी। आपां जदों इकट्ठे हुंदे आ ना, आपां अपणियां गौरवमई गाथा अपने विरसे दीयां गल्लां करदे आ। बापू बड़ा बहादुर सी, बापू ने इस तरह किया, तो वह बापू जोड़ा इस पंथ का बापू आ गुरु गोबिंद सिंह महार, जदों उन्होंने बहादुरी दियाँ गल्लां करनियां, जदों उन्होंने साहिबजादियां दियां गल्लां करनियां, अपने वीरां दियां जदों उन्होंने बहादुरी दियां गल्लां करनियां, तो सच जाणिओ हटण नूं दिल दासता बिल्कुल नहीं सी करदा, बिल्कुल नहीं सी करदा, क्योंकि गुरु के प्यारे ऐसा शाना मता इतिहास है। ये शहादतां तो बाद असीं किते चुप करके इस नूं सहन नहीं कर लिया। मैनू एक विद्वान मिले, मैनू कहन लगे, जदों गल करते हो ना कच्ची गड़ी दी, जदों गल करते हो तुसी सरहद दी दीवार दी, उस वेले भी दस्या करो कि गुरु दियां खालसियां नूं उन्हां शहादतां दा बाद विच बदला किवें लिया, क्योंकि असी गुरु के प्यारे इन्हां शहादतां तो बाद कौम इतनी चढ़दी कला विच गई, क्योंकि एक अंग्रेजी दी फ्रेज है, द ब्लड ऑफ मार्टियर इज द सीड ऑफ चर्च। शहीदां दा खून धर्म दा बीज होया करदा है, जितना शहीदां दा खून ज़्यादा डुलदा है वो धर्म उतना प्रफुल्लित हुंदा है। ते मेरे धर्म नूं तां इह पातशाह दा इह वरदान है कि जदों जदों इस ते सख्ती होई है, उदों उदों इसने वध भगती कीती है। इस ते जदों छोटा कल्लूकारा बीतिया, छोटा कल्लूकारा जिस दे विच 50% कौम एक दिन विच कतल हो गई सी। पातशाह तो बाद दसी असीं विरसे नूं संभालिया किवें आ। 50% कौम एक दिन में कतल हो गई सी। 1746 में छोटा कलूकारा होया सी और गुरु के प्यारे असी उस तो 3 महीने बाद विसाखी जा मनाई अमृतसर। वड्डा कलूकारा होया, 80% कौम एक दिन में कतल हो गई सी। असी कुछ हज़ार की गिनती के साथ 80% कौम साड़ी कोपर हीड़े के स्थान पर चारे पासों दुश्मनों ने घेरिया सी। अहमद शाह अब्दाली दीयां फौजां ने 80% कौम साड़ी एक दिन में कतल हुई सी। 80% अब्दाली कहता सी इहो जिहा कम कर चलिया सिख कौम मुड़ के उठ के खड़ी होवेगी नहीं। कहता मुड़ के नहीं उठ सकती, मैं इहो जिहा कम कर चलिया, जिहड़े बचे ने वो इदां खुंजे लग जाणगे, वो कदे उठणगे नहीं। इहनूं पता नहीं इस खून दे विचों कितने शहीद पैदा हुंदे ने सानू अगवाई करन वाले। वह कलूकारा होया सी गुरु के प्यारे 5 फरवरी 1762, पूरे 16 साल बाद। लेकिन उस तो पूरे 2 महीने बाद खालसे ने सरबत खालसा बुलाया मुक्तसर की धरती ते। इको एक सरबत खालसा मुक्तसर की धरती ते होया, बाकी सरबत खालसे अमृतसर साहब की धरती ते मनाए गए। सरबत खालसा बुलाया 9 अप्रैल सी। खालसा कहता अब्दाली कह के गया मैं सिखा नूं इतना सबक सिखा चलिया, ये मुड़ के उठ के खड़े नहीं होणगे। सिख कहते फिर अब्दाली नूं ही दस दईए। वो सिख खड़े नहीं होए, तेरे बराबर डट के तेनों नेस्तो नाबूद करना सिखा नूं बड़े चंगी तरह आउंदा। सिखा ने बुला के 9 तरीक नू कीता सरबत खालसा, 10 तरीक नू सरहंते हमला बोल दिता। एंड शाह अब्दाली दा बनाया सूबेदार सिंह 10 तरीक नू हमला बोल के उस नू सख्त जामनी कीता। 50 लाख रुपया उसने हरजाना दिता। सिखा दे पैरों ते डिग के माफी मंगी, सिखा दी अधीनगी कबूल कीती। एंड शाह अब्दाली नू खबरां हो गईयां, वो जो 2 महीने नहीं हुए मैं क्या 80% कौम खत्म हो गई, 20% बचे मुड़ के उठ नहीं सकणगे। वो कौम ही ऐसी है कल्लू घारियां दे विचों जवान हुंदी, कल्लू घारियां चों जवान होने वाली कौम। गुरु के प्यारे सानू अपना खून डोल के अपने इतिहासक स्थान बचाने आउंदे ने। जे किसी की रक्षा करनी आउंदी तां अपनी रक्षा बाखूबी करनी आउंदी। कहिंदे सिदक सिख दा वखरा जग नालों, जिवें सिख दी सुंदर नहार वखरी। इह संत सिपाही दे सीस उत्ते सजी होई है जिवें दस्तार वखरी। माता गुजरी दे लाल वखरे, लालो लाल ए सिक्खी गुलजार वखरी। जिन्हां पौल पीती खंडे धारदी उन्हां फुल्लां ते आई बहार वखरी। सबे रहमता गुरु दशमेश दियां जिन्हां ज़रियां नूं ताजदार कीता। सुच्चे केस ते नूरी किरपान दे के मानव धर्म दा सानू सरदार कीता। मान धर्म दे सरदार चरखड़ियां ते बंदूकां दियां लोकां ते तोपां दे गोले मारे। पुठियां खला उतरा के मैं मुकाबले करते हो चढ़दी कला विच किवें रहिंदे ने। इहदा जिक्र दास पुष्पिंदर कौर खालसा दा इंटरनेशनल ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट धाड़ी जथा उस चढ़दी कला दा जिक्र क्यों करते? शहादत की बदौलत आप जानते हो जदों मीर मनु दे वेले ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करने का काम इसने शुरू किया। सिख जंगलों छंभा में लुके इसने उन्होंने पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने गोदियां में छोटे छोटे बच्चे सी। आख्या अपने नायब नूं कहंदा रख के तसीहे दिओ, रोटी नहीं देनी, कम दब के कराउणा। सवा मण भाव 50 किलो दाणे चक्की ते पीसणे, 50 मण दाणे दिहाड़ी विच पीसणे, खाण वास्ते देनी चप्पा रोटी भाव एक रोटी का चौथा हिस्सा, एक लूण की डली, एक कौला पानी का। 3 महीने जदों तसीहे जरदिया हो गए अपने नायब नूं कहण लगा 3 महीने हो गए भुख कटदे आ, हुण मैं जेल का दौरा करन जाऊँ, बीबियां ने मेरे पैरों से डिग पैना, अपने धर्मों धर्मी हो जाणगियां, इन्हां दीयां गोदियां विच बाल ने, इन्हां दे रंग पीले विसार होए पए हुणे, इह मैनूं उड़ीकदियां ने कि मेरे तो माफ़ी मंगण। बड़ी शान दे नाल सिर उच्चा करके जेल विच आया, बीबियां दे सूहे रंग देख के कहण लगा सुभान अल्लाह, इतना जोबन, इतना सोहपड़, तुहाडे पति पता नहीं जिउंदे ने कि मर गए ने, जंगलों में है न, कदी आउणगे कि नहीं आउणगे, तुसीं मेरे नायबां दे नाल विआह कराओ, स्वर्ग की जिंदगी लाओ, मैनूं तुहाडे ते बड़ा तरस आउंदा। बीबियां ने गर्ज के कहा कहंदी पापिया, ओ धर्म की इबारत तू जानदा की है, तू धर्म की इबारत की जानदा, तू साडे सिद्क की परवाह ना कर, बापू बाजां वाला जिसने सरबंस कुर्बान किया वो साडी भी रखिया करेगा। कहण लगा जिही गल बाहर कड्डो, इन्हां दी मौत दा तमाशा दुनिया देखे, वो दुनिया ने कदे पहली बार नहीं देखिया। अज कौम ते अजब है अणख, एदी खेड भी अजब संसारी उत्ते, किते आरे दे दंदियां नाल खेडे, किते खानू दी तिखी तलवारी उत्ते, किते अग दे शोलियां नाल खेडे, फरकसीर दी किते तलवारी उत्ते, किते अणख दी देवी नूं वरन खातर सिक्की खेड दी खंडे दी धारी उत्ते। कहंदा बाहर कड्डो इन्हां दी मौत दा तमाशा दुनिया देखे। बाहर कड्ढिया, कहता गोदियां चो बाल खोलो, पापी नेजा उछाल दे, बच्चे नूं उछाल दे, थले नेजा कर देंदे, कहते देखो सिखड़ा कैसे नाचता है। 84 भी इदा ही कहते सी ना, गलों में टैर पा के कहते देखो सिखड़ा कैसे नाचता है। असी तो नचते ही आए, आरे दे दंदियां ते, रंबियां ते खोपर लहाउंदे, तोपां दे गोलियां हो के, तूंबे तूंबे हो के उड के, चरखड़ियां ते चढ़ के असी तो नचते ही आए। असी कदे इन पापियां दी मनी नहीं, जिगर दे टोटे टोटे होके झोलियां च पए ने। बीबियां ने अरदास की सच्चे पातशाह 4 पैर दिन तेरे पानी अंदर सुखा ना बतीत होया, जिगर दे टोटे टोटे होके पए ने। इस पापी ने क्या सी यह खबर सुन के सिख बाहर निकल गए, मैं उन्हां दा खात्मा कर दियांगा। सिख निकले बाहर, इन्हें अपनियां फौजां नूं हुक्म दिता, इहदियां फौजां तां हजे तोड़ेदार बंदूकां ते मसाला ही भरदियां रह गईयां। सिखां ने बंदूकां जो चलाइयां, इहदियां फौजां तां ढह ढेरी होईयां, इह भज्जिया। मक्की दा बाण, हो सकदा तुहानूं शहर विच रहण वालियां नूं पता ना होवे, इह मक्की जिहनूं तुसीं स्वीट कॉर्न कहिंदे हो, मक्की दा आटा जिहदे नाल साग दे नाल मक्की दी रोटी खाणे, इह स्वीट कॉर्न जिहड़े खांदे हो ना, इह जदों ਵੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾਤੀ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਵੱਢੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਕਾਇਆ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਭੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਭੱਜਾ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀਟ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬਾਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੌੜਿਆ, ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਸੀ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਪੂਰਾ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਪਿੱਛਿਓਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਛਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਗਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੀੜੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, मीर मनु दे एडे एडे कीड़े इस पापी रौला पाउंदा रहा, इहदे शरीर ते किरम चलदे रहे। 3 दिन बाद जदों इहदी पत्नी ने सरकारी खजाना खाली करके तनखाह दित्तियां, इहनूं जिउंदे नूं दित्ता, जिउंदा ना मरिया सी ना जिउंदा तड़फदा, इदां ही कुत्ते दी मौते मरिया, कीड़े पै के मरिया मीर मनु। सिख कौम दे नाल जिस पापी ने कीता ना गुरु के प्यारिओ, सिख कौम ने कदे उस पापी नू बख्शिया नहीं, भावें मीर मनु होवे खान होवे, भावें फरसियर होवे, भावें मीर मनु होवे, भावें जकरिया खान होवे, भावें औरंगजेब होवे, तो भावें समय की सरकार होवे। सिखा ने कभी किसी ते हमला किया नहीं, तो हमला किसी ते करिया नहीं, पर हमला किसी का जरिया भी नहीं। सिख कौम के शाना मते इतिहास में बहुत मन खुश होया। 2 घंटे हो गया, जदों फिर आइए अकाल पुरख किते स्वास बख्शे फिर आइए, तो 2 घंटे का समा जरूर दइओ, क्योंकि जो लड़ीवार इतिहास चलता। असी छोटे साहबजादियां दा इतिहास एक चीज़ बोली, उहदे विचों जद के 8-9 चीज़ां और ढाडी राग दियाँ घट्टो घट्ट असी 1 घंटा होर आप जी के सन्मुख रह सकते सी। असी क्या बीबियां उठ के जान लग पईयां कि समा 1.5 घंटे तो ऊपर का हो गया। प्रबंधक भी कह 1 घंटा दिता सी, जे इन्हों रोकया नहीं तो ये एको साहे चलते जा रहे हैं, क्योंकि इतिहास की लय दे विच चलते जाना। गुरु के प्यारे ढाडी 6वें पातशाह ने पैदा ही इस करके कीते सी, शाना मता इतिहास संगतां दी नज़र करन वास्ते। तो अगे तो प्रबंधकों के चरणों में बेनती है कि अगे तो जदों इधर नूं चलांगे ना, असी भी 3 घंटे का 4 घंटे का समा रख के चलांगे, और जदों आवांगे 2 घंटे का समा लवांगे। अकाल पुरख स्वासां दी पूंजी बख्शे कि फिर इहो जिहियां समर्थ संगतां, इहो जिहियां चढ़दी कला दीयां संगतां दे दर्शन दीदारे अपनी जिंदगी दे अंदर फेर कर सकीए। वाहिगुरू बहुत तुहाडा धन्नवाद, बहुत धन्नवाद प्रबंधक वीरां दा। संगतां तां कहंदियां हुंदियां, लेकिन प्रबंधक कमेटी भी इतने प्यार दे नाल आग्रह करे कि तुसीं 10 मिनट होर लाओ। ये पहली वारी इदां दी कमेटी देखी है। बहुत धन्नवाद तुहाडा। वाहिगुरू तुसीं इसे तरह हसदे रहो, वसदे रहो, जवानियां माणो। तुहानूं अकाल पुरख खुशियां खेड़े बख्शे, अकाल पुरख दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की बख्शे, चढ़दियां कला बख्शे बापू बाजां वाला। तो गुरु के प्यारिओ, दास दे जथे विच बीबी विशालजीत कौर खालसा, बीबी अमनदीप कौर खालसा, सरंगी ते साथ दे रहे सन भाई दलविंदर सिंह खालसा। इन्हां दे बजुर्ग आलू वाली मिसल दे विच सिपा सलार होया करदे सन, लेकिन उन्हां दी एक विशेषता सी, जिन्नी तेज़ी ना वो तलवार चलाते सी, जिन्नी तेज़ी ना ढाल ते वार रोकते सी। उन्हां दी ढाल 16 किलो की अज भी कांजली दे जो अजायब घर है उत्थे पई है, लेकिन जदों फुरसत दे पल हुंदे सी, जानवर चलू सी हुंदे तां सरंगी वजाउंदे हुंदे सी। एक कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन इसने क्या बजुर्गों का विरसा जरूर संभना, तो इस करके गुरु के प्यारे जंग ते तलवारां नाल भी हुंदी है, तो जंग का इतिहास सरंगी दे नाल भी सुना हुंदा। दास गुरु करदा झाड़ू बरदार, औकात नहीं मेरी तुहाडे जोड़ियां विच खड़े हो सकी है, लेकिन तुसी मान देंदे हो। दास पुष्पिंदर कौर खालसा, तुहाडा अपना जथा जदों सेवा का मौका दोगे, तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होवांगे जी। बुलाओ फतेह ते पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सासंगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इन्होंने 2 घंटे किया, मैं 2 घंटे ही लिखवाया सी इश्तिहार में। 8 तो 10 का टाइम लेट हो गए सी। मैं पता सी कि जो ढाडी जत्थे जो अपनी वारा करते हैं तो फिर जो मुकाबला ही नहीं होता, फिर तुम 3 घंटे बैठे रहो तो तुम्हें नहीं पता चलेगा, सुस्ती भी नहीं आएगी। ये सतगुरु जी की बख्शिश होती है। और ढाडी जत्थे अवेयरनैस वास्ते होंगे, जागृति जो देते हैं तो ढाडी जत्थे ही दे सकते हैं। सो बीबी पुष्पिंदर कौर जी और उन्होंने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि महाराज की बख्शिशा लिया हैं। कल आप जी को फिल्म राही 4 साहिबजादे वो आप जी को दिखाई जाएगी। परसों गतके के जोर होंगे रणजीत अखाड़े की तरफों, और उस तो बाद अगले प्रोग्राम फिर शुरू हैं 28 तारीख को भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी मक्खू, 29 तारीख को अखंड कीर्तनी जत्था, 30 तारीख को हजूरी रागी दरबार साहब सतनाम सिंह जी, और 31 तारीख को रात 12-12:30 बजे तक प्रोग्राम चलणगे। सो मेरी बेनती आप सारियां नूं, साथ संगत जी, इन्हां सारे प्रोग्रामां विच वध चढ़ के सहयोग दिओ, अपनी माया राहीं सफली करो, क्योंकि इन्हां विच सारियां विच माया बहुत लगती है। मेरी आप सारियां नूं बेनती, जिन्नी ज़्यादा तो ज़्यादा माया दे सकदे हो, गुरु घर च दे के गुरु घर दी खुशियां लो। सो इन्हां बेनतियां प्रवान करनियां। सो आप जी पटना साहब की धरती की तरह इतने रस माण रहे हो। सो सतगुर बख्शिश करन। असी आप सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।